हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ बातें आपको ऐसी बताने वाले हैं जो कि शायद इन बातों से कुछ लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो नए विश्वासी हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ईसाई धर्म मान लेते हैं, ईसाई मान लेते हैं। आपको मालूम है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे अन्य धर्म है वैसे ईसाई भी एक धर्म है जिसको रोमन कैथलिक कहा जाता है। मेरे प्रियो, आप शायद इन बातों को नहीं जानते हैं कि ये रोमन कैथलिक धर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा था, जो उनका दिया हुआ उपदेश था, उसको केवल उनके चेलों ने अपनाया, जो उस समय के लोग थे केवल उन लोगों ने अपनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए तो उसके 50 साल बाद या 100 साल बाद एक कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट नाम के व्यक्ति आते हैं। वो बाइबल को अपने अनुसार चलाने लगते हैं, बाइबल में उलट फेर करवा देते हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं, हर देश में अलग अलग जगहों पर अपना चर्च खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो एक बादशाह थे, राजा थे। शायद उनको प्रभु यीशु मसीह के जो नियम थे उनसे बहुत नफरत था, वो उन नियमों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। आप जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में स्पष्ट कहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, लेकिन रोमन कैथलिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्चों में मूर्ति पूजा करते हैं, उनके परिजन, उनके चर्च का कोई सदस्य मर जाता है तो उनके लिए प्रार्थना किया जाता है। तो ऐसे बहुत कारण हैं जो कि बाइबल नहीं सिखाता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि ब्रदर, आप यीशु को अपनाते हैं या फिर ईसाई धर्म का पालन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि नहीं, हम यीशु के रास्ते पर चलते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। आप अपने जुबान से ईसाई धर्म का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया था, वो आपको और हमें बचाने के लिए आया था। ऐसा नहीं है कि जो अन्य अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था, केवल वो क्रिश्चियन लोगों के लिए आया था। नहीं, वो सबको बचाने के लिए आया था, क्योंकि हम सभी उसके बच्चे हैं। उसने हमारे और आपके लिए उस क्रूस पर अपना बलिदान दिया था, उसने हमारे लिए इतनी बड़ी पीड़ा सही थी, ठीक है ना मेरे प्रियो। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का उद्धार उसके कर्मों से नहीं होता है, जैसा कि बाइबल सिखाता है। हम यदि चर्च में मूर्ति पूजा करें, कैंडल जलाएं, मोमबत्ती जलाएं या घंटों बैठकर घंटियां बजाएं, तो इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। प्रभु देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। आप ये जो देखते हैं बड़े बड़े चर्चों में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जो लाखों में, हजारों में दान दशमांश देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है? क्या अंदर से उनका मन बदला हुआ है? आप देखते होंगे हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो बड़े बड़े स्टार हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, तो क्या वो लोग प्रभु यीशु मसीह के दास हो गए? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम दो लोग ही हो, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में दो से तीन लोग ही हो, यदि तुम एक मन से, सच्चे मन से परमेश्वर का आराधना करते हो, परमेश्वर को बुलाते हो, तो वो आपके बीच में उपस्थित होता है, ठीक है ना मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने मन की सच्चाई से परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका है, प्रभु के हाथों में अपने आप को दे चुका है कि हे प्रभु, अब मेरे जीवन में सुख आएगा या दुख आएगा मैं नहीं जानता, आज के बाद तू मुझे जानता है, मेरा मालिक, मेरा मुक्तिदाता, मुझे भोजन देने वाला, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों की जरूरतों को पूरी करने वाला तू है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर मिलता है, ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर मदद करता है। नहीं तो आपके मन में यदि शंका है, आपका मन एक जगह स्थिर नहीं है, आप दुविधा में हैं,
तो आप क्यों परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्यों उसके पीछे चलते हैं। आज आप देखते होंगे कि 90% लोग चर्च में जाते हैं केवल एक दूसरे से मिलने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं जाते हैं, उसके वचन में बढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, कुछ सीखने के लिए नहीं जाते हैं। लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए जाते हैं। यदि परमेश्वर उनकी मदद करता है तो वो चर्च जाएंगे, नहीं तो अगले दिन से नहीं जाएंगे। तो ऐसी कुछ धारणा है, लोग सोच के चलते हैं। आप क्या जानते हैं, प्रभु आपको नहीं देख रहा है, आपके मन की बातों को नहीं जांचता है, नहीं समझता है। अरे वो आपकी एक एक दिल की धड़कनों की सारी जो खबर रखता है। प्रभु यीशु मसीह का रास्ता बहुत ही सीधा और सिंपल है। लूका अध्याय 6:29 में कहता है कि यदि कोई तेरी एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो उसकी ओर क्या करो, अपना दूसरा गाल भी फेर दो, मारते रहो जब तक तुम्हारे मन की गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। ये बातें कुछ लोगों को अटपटी लग रही होंगी, लेकिन ये बातें किसको कह रहा है प्रभु? हम सब क्या हैं? हम सब आपस में भाई भाई हैं, कोई यहाँ पर किसी का दुश्मन नहीं है। यदि एक भाई अपने भाई को नाराजगी में मार देता है या फिर कुछ कह देता है तो अगले को क्या करना चाहिए? उसको ये सोचना चाहिए कि चलो मेरा भाई ही तो है, कोई और नहीं ना है जो मुझे मार रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कभी किसी को दो आंख से नहीं देखा, पक्षपात नहीं किया। वो सबको बराबर का दर्जा देता है, सबको बराबर की नज़र से देखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करता है। रोमियो अध्याय 12:17 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलने आया था, वो विदेशी ईश्वर है, विदेशी भगवान है। अरे कभी ईश्वर विदेशी हो सकता है? उसके लिए तो सारी दुनिया ही उसके बच्चे हैं। अब लोग इस दुनिया की अलग अलग बंटवारा कर लें, कोई भारत बना ले, कोई चीन बना ले, कोई पाकिस्तान बना ले, कोई इंग्लैंड बना ले, कोई अमेरिका बना ले, तो उसके लिए क्या कर सकता है प्रभु? इसमें प्रभु की गलती है? हम खुद लड़ के, आपस में लड़ भिड़ के अलग हो गए हैं एक दूसरे के साथ, तो बारूद से, लाठी तलवार से लड़ाई करते हैं। क्या ऐसा प्रभु चाहता है? कभी नहीं। वो तो ये कहता है कि जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखिए दोस्तों, मसीहत यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है, ये कोई धर्म नहीं है। मसीहत एक आस्था है, हमारा विश्वास है, परमेश्वर से हमारा एक रिश्ता है। इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लिए हैं सबको अपने अपने पापों का हिसाब देना पड़ेगा। आज के 2000 साल पहले का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है ना, उसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है। वो इसीलिए आया था ताकि हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं। हमारे पापों के लिए उसने इतनी धारणा सही थी। हम उसकी बातों को इनकार कर देते हैं, हम उसके बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। लोग यही समझते हैं कि अरे ये तो ईसाई धर्म की प्रचार कर रहा है, ये तो ईसाई बन गया है, क्रिश्चियन बन गया है। लेकिन मेरे प्रियो, ये तो हम समझते हैं ना। यशायाह अध्याय 64:6 में प्रभु का वचन कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं। आप अपने मन में झांक कर देखिए कि क्या आप सही हैं। आप अपने जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं, मतलब सब लोग ऐसा करते हैं, तो आखिर उन सारे पापों का क्या होगा? कहीं कोई लेखा जोखा होगा कि नहीं? हिसाब किताब कहीं होता होगा कि नहीं? देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने तो हमें इसीलिए बनाया था ताकि हम शुद्ध जीवन जी सकें, हमारे अंदर रत्ती भर पाप ना हो। लेकिन यहाँ इंसान आकर नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाता है, वो पाप की दुनिया में जी रहा है, पाप की दुनिया में सांसें ले रहा है,
लेकिन उसको पता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। वो उस पाप को मानने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसीलिए इसी पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, इसी पाप को मिटाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया था आज के 2000 साल पहले। हम सब क्या हैं? हम सब तो उसी मैले चिथड़े के समान हैं। जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके बताए मार्ग पर चलता है, वह शुद्ध बन जाता है, वह पवित्र बन जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि क्या हम ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे हैं या यीशु को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं? नहीं, एक मसीही जो होता है, एक सच्चा विश्वासी जो होता है, वो कभी अपने विश्वास से समझौता नहीं कर सकता है। उसके जीवन में कितना भी कठिनाइयां आ जाएं, कुछ भी हो जाए, वो कभी उस अनंत काल के नरक में जलने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सच्चाई पता है। कुछ भी हो जाए, हम प्रभु यीशु को ही फॉलो करेंगे और उसी के बताए मार्ग पे चलेंगे। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी बातें पता चल सके। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।